दसवीं की बिगड़ी तबीयत तो लोग देने लगे ताने, कोई बता रहा ड्रामा तो कोई खेल, पीठ दर्द से कराह रहे तेजस्वी का मजाक क्यों, भीषण गर्मी में हर रोज 6 से 7 सभा आम बात है क्या। अब तेजस्वी ने खुद ही दिया जवाब, कहा मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं, बेरोजगार तो भयानक तकलीफ में है। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी और तपती दोपहरी के बीच जनसभाओं का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अररिया से आरजेडी नेता के तबीयत बिगड़ने की खबर आई। जानकारी के मुताबिक अररिया के फरविसगंज अनुमंडल के सिमराहा मध्य विद्यालय मैदान में चुनावी सभा कर रहे तेजस्वी यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग तेजस्वी की तबीयत का मजाक भी उड़ाने लगे। वैसे तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद मुकेश सहनी ने मंच संभाला। इसके बाद जैसे ही माइक से तेजस्वी हटने लगे, उनका शरीर लड़खड़ाने लगा। ये देखते ही पास में मौजूद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को संभाला। जानकारी के अनुसार तेजस्वी को अररिया में अचानक पीठ दर्द का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें चलने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद उनके समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर मंच से कार तक पहुंचाया। ध्यान रहे कि रोजाना तेजस्वी यादव सुबह निकलते हैं और 6 से 7 रैली कर देर शाम को लौटते हैं। वहीं तेजस्वी की तबीयत बिगड़ने के बाद भी कुछ लोग उनकी तबीयत का मजाक बना रहे हैं। एजे आयुष नाम के यूजर ने लिखा है, ममता दीदी से इस प्रकार का ड्रामा करना सीख लिया तुमने तेजस्वी। द कॉमन मैन नाम के यूजर ने लिखा है, इलेक्शन में ही सबका खेल क्यों हो जाता है। अनूप वर्णवाल लिखते हैं कि मछली नहीं खा रहे हैं क्या। गिरिजा प्रसाद शाह लिखते हैं कि छोटी उम्र में बोझ भारी, अब का लदवा हो व्यापारी। वहीं अपनी तबीयत को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि महीनों से अलट पलट वाली अथक सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है, आराम के अभाव और निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्ते से कमर में हल्का दर्द था, 2 दिन अचानक से बढ़ गया, लेकिन मेरा ये दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे हैं, जिनके सपनों को विगत 10 वर्षों में धर्म की आड़ में कुचला गया है। मैं अपने दर्द को भूल जाता हूँ जब देखता हूँ कि कैसे गरीब माताओं बहनों को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी समस्या हो रही है, किसान भाइयों को सिंचाई के साधन और फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, संसाधनों के अभाव और रोजी रोटी के लिए लाखों साथियों के पलायन का कष्ट देखता हूँ तो मुझे मेरा दर्द महसूस ही नहीं होता। छात्र को पीरा है क्योंकि उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है। बिहार के मेरे बुजुर्गों की पीरा है कि उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही है। थाना और ब्लॉक के भ्रष्टाचार से आमजन परेशान है। हर वर्ग को पीरा है क्योंकि उनके अधिकार, उनका न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मैं इन सबों की तकलीफ में अपने आप को साझेदार मानता हूँ। बिहार में एनडीए सरकार से जनता त्रस्त है। ऐसे में यदि मैंने अपनी पीड़ा की चिंता की और ये कदम रुक गए तो फिर लोगों की उम्मीदें भी बुझ जाएंगी और महंगाई, तानाशाही, अत्याचार और अन्याय की आग में बिहार झुलसता रहेगा। इसलिए मैंने तय किया कि भले ही बाधा कितनी हो, भले ही दर्द कितना हो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और थकना नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते जाना है, बढ़ते जाना है, जीतते जाना है, जिताते जाना है। लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुकना मेरे खून में ही नहीं है।